लोग क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है द फन दे है, ठीक है फ्रेंड्स, इसका हम लोग 6 वीडियो करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग पैराग्राफ नंबर 8 कर चुके थे और आज हम लोग पैराग्राफ नंबर 9 आज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो जब मार्जी, ठीक है, जब पिछले पैराग्राफ में पढ़ा था कि मार्जी ने टॉमी से कहा कि कैन आई रीड द बुक समवेयर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं ये किताब स्कूल के बाद मैं तुम्हारे साथ पढ़ सकती हूँ। तो उसके बाद हम आगे स्टडी करेंगे 9th पैराग्राफ में। तो जो टॉमी था है ना, उसने ही सेड मे बी ही सेड नॉन करेंटली। तो नॉन करेंटली का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? नॉन करेंटली का मतलब होता है कि ज़्यादा इंटरेस्ट या ज़्यादा रुचि ना दिखाते हुए, उसने कहा, ठीक है, मे बी, ठीक है, यानी कि उसे इस बात में ज़्यादा रुचि वो नहीं दिखा रहा था कि मार्जी क्या चाहती है। सो मे बी ही सेड नॉन करेंटली एंड ही वॉक्ड अवे व्हिसलिंग, और वो सीटी बजाता हुआ बाहर निकल गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और वो जो ओल्ड बुक थी, जो पुरानी बुक थी, इस पर डस्ट लगा हुआ था है ना, उसने अपने आर्म के अंदर उसे दबा करके वो मार्जी के घर से वो बाहर निकल गया। और उसके बाद मार्जी की बात की जा रही है कि मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्जी के घर के अंदर एक रूम था जो कि उसका स्कूल रूम था। सो मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम एंड इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और वो जो उसका स्कूल रूम था वो उसके बेडरूम के ठीक बगल में स्थित था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका जो मैकेनिकल टीचर था मार्जी का वो स्विच ऑन था, ठीक है, और वो मार्जी के लिए वेट कर रहा था, उसका इंतजार कर रहा था। सो इट वॉज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। वो जो मैकेनिकल टीचर था वो हमेशा उसी टाइम पर ऑन हुआ करता था, सिर्फ दो दिन को छोड़ करके, सैटरडे और संडे को छोड़ करके वो बाकी सारे दिन सेम टाइम पर वो स्विच ऑन हो जाया करता था। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी टर्न द नेक्स्ट पेज। Because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours. तो मार्जी की मम्मी कहा करती थी कि जो छोटी लड़कियां होती हैं वो बेहतर ढंग से सीख पाती हैं अगर वो रेगुलर आवर्स में स्टडी करती हैं, यानी कि अगर रेगुलरली स्टडी करती हैं किसी खास निश्चित समय पर तो वो बेहतर ढंग से पढ़ाई कर पाती हैं, बेहतर ढंग से सीख पाती हैं, ठीक है, ये मार्जी की मम्मी कहा करती थी। द स्क्रीन वॉज लिट अप, तो जब मार्जी अपने सीट पर बैठी तो कंप्यूटर टीचर का जो स्क्रीन है वो ऑन हो गया। एंड इट सेड, और उसने कहा कि टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, और मैकेनिकल टीचर की तरफ से ये आवाज़ है कि आज का जो अर्थमेटिक लेसन है वो क्या है, वो है एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन के एडिशन से संबंधित लेसन उस दिन क्लास में होने वाला था। और आगे वहाँ से आवाज़ आती है कि प्लीज इंसर्ट स्टडीज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और वहाँ से आगे कहा जाता है कि प्लीज आपका जो पिछले दिन का जो होमवर्क है ना, पिछले दिन का जो होमवर्क है आप उसे प्रॉपर स्लॉट में रख दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज के लिए मैं इतना ही वीडियो खत्म करता हूँ इतना ही पे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पैराग्राफ नंबर 10 करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।